वेलकम टू बाजू की दुनिया कनाडा में एवरीवन विद वन न्यू व्लॉग और एक और नए दिन के साथ। तो यहाँ पर बहना बना रही है सैंडविच, कोई वेजिटेबल सैंडविच। इट इज लुकिंग सो डिलिशियस एज येट। और मैं दिखा दूँ पहले सॉस निकालना, मकसद आप छोड़ दो, नीचे भी लग सकते हैं। सॉस निकालना मकसद है। यू डिस्ट्रॉइंग इट। मैंने कहा शायद खुल जाएगा मैडम से। नहीं, इसे कहते हैं पाकिस्तानी दिमाग। देखें, सॉस निकालना मकसद था। हमारे पास ओपनर नहीं है हमारे पास ना, लेकिन सॉस खानी लाजमी है। हाँ, तो सॉस निकल आएगी इसमें से। नहीं, इसको इतना सील क्यों करते हैं? लेकिन कोई सील इनको कोई डिफरेंट मिले। अब सिर्फ इस बोतल की खातिर ना हमें ओपनर रखना पड़ता है घर पे। हालांकि और कोई चीज ओपनर पेपर भी ला सकते हैं। हाँ, सील पेपर लगाते हैं। उनको पता नहीं क्या मसला है कि उन्हें इतना सील करना है मैगी को। कोई बात नहीं, कर ले। हम भी खा के रहेंगे। ये देखो निकोलाई सारी एनी सॉस, एनी सॉस की होती है। This is looking good. और यहाँ पर ये हमारा जो सॉस है ना, इसका ये हमने हाल कर दिया है। और यहाँ पर हमारा सैंडविच तैयार है। मैं खाऊंगी, मजे ले लेके। हाँ, वेजी सैंडविच खाएगी ये, मजे ले लेके। वेजी सैंडविच, नाइस। ओके बहना, तुम खाओ, हम तुम्हें देखते हैं तुम वेजी सैंडविच कैसे खाती हो। बहुत मजे का होता है वेजी सैंडविच। हाँ हाँ, अभी जान सॉस निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं निकालते अभी जान, ऐसे निकालते हैं हम। इसके लिए निकालते हैं 5-10 मिनट तक। मैं तो कहती हूँ अभी जान, ओपनर बॉटल ओपनर ले आए। मुझे तो मेरी बिल्डिंग वालों ने फ्री में दिया था। और यहाँ पर गाड़ी साफ होने की तैयारियाँ हो रही हैं। व्हाट यू डूइंग ब्रो? नथिंग। तो गाइस, ये प्रेशर पंप है। इसका ये होता है कि ये इंसान का गला काट सकता है। अगर इसकी ना, हाँ, इसकी सेटिंग चेंज करनी होती है, जस्ट द शार्पेस्ट वन। या पहन के ना, ड्रेस शर्ट पहन के तो इस तरह ना गाड़ी धोनी चाहिए। दिस इज न्यू ट्रेंड। हमारे घर में गाड़ियाँ इस तरह ही धुलती हैं भाई, ड्रेस शर्ट एंड ड्रेस पैंट्स पहन के। राइट हनी? ये मैट ना बहुत गंदे हुए थे, तो शोहर ने कहा कि मैं जल्दी से ना ये मैट्स धो लूँ। यहाँ पर मेरे जो भाई जान है उनके पास ये बहुत ज़बरदस्त सा एक वाटर पंप है, जिसके साथ ना आप गाड़ी भी धो सकते हैं। क्या कहते हैं भाई जान के पास ना ये प्रेशर वाटर है, और इससे ना प्रेशर वॉशर है। ओके, करेक्टेड लाइक 3 times। 3200 PSI। तो सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है मैंने। दिस इज सो कूल। हाँ हाँ, सो यहाँ पर हमारा ये धुल रही है गाड़ी, एंड वैक्यूम भी हो जाएगा, एंड देन वी गोना गो होम। और यहाँ हमारा आज बहुत दिल कर रहा था कि हम ना कोल्सलो का सैलड बना के खाएं। तो कोल्सलो सैलड में ना मैक्रोनी डलती है, कोल्सलो, मेयोनीज, क्रीम, एप्पल, तो ये सारा कुछ मिक्स करके, शुगर तो ऑब्वियसली डलती है। मीठा होता है ये सैलड, तो गर्मियाँ जब होती हैं ना तब ये खाने का बहुत दिल करता है। लेकिन ये बनाना इसी क्वांटिटी में बनता है जिसमें ये बन रहा है, क्योंकि कोल्सलो का जो पैकेट आता है ना वो बहुत लाइक बड़ा पैकेट होता है, तो उसको अगर हाफ यूज़ करें तो हम सोचते हैं कि बाकी का हाफ हम कहाँ यूज़ करेंगे। ये बाजी एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रही है जो उससे आ रही नहीं है। इसमें पास्ता डाला है, पास्ता दिखाना भूल गई है, मैक्रोनी ना बॉइल की थी। सो बना क्या मैंने, इसको मिक्स करके अब टेस्ट करना है। ये जो है ना, ये मैं अपने डाल के लेके जा रही हूँ अम्मी जान के घर से। तो ना अम्मी जान जो मज़े का खाना बनाती है ना, वो मेरे घर तो ज़रूर जाता है, बिकॉज आई वुडन्ट मेक दिस फॉर माईसेल्फ, बट आई एम गोना गो होम एंड एंजॉय दिस विद अ कप ऑफ कॉफी। तो जो अब आप एंजॉय कर रही होती हो तो आप क्यों नहीं दिखाती? हम तो वेट कर रहे होते हैं वीडियो के एंड तक के बाजी अब जब एंजॉय करेगी कॉफी नेटफ्लिक्स के साथ, हमें वीडियो भी देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन आपकी किसी वीडियो में वो नजर नहीं आता जो आप कहती, क्योंकि ना मैं कहती हूँ क्या मैं टाइम वेस्ट करूँ मैं ये दिखाते हुए, क्यों ना मैं सिर्फ खाऊं पीऊं रेस्ट करूँ। दिखाया करो ना, हम वेट कर रहे होते हैं। ठीक है गाइस, आज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं ये खाया तो कैसे खाया। एंड अब हम यहाँ पर कार वॉश के लिए आ गए हैं।
गाड़ी अंदर से तो शोहर ने खुद ही साफ़ कर ली थी, लेकिन बाहर से गाड़ी धुलवाने के लिए ना फिर हम यहाँ पर कार वॉश पे गए, तो इसका थोड़ा आसान होता है गाड़ी धुलवाना। यूजुअली इट्स अराउंड $14 to $20 में आप गाड़ी बाहर से धुलवा सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। लेकिन अगर आप मंथली पैकेजेस ले लें, आजकल मंथली पैकेजेस बहुत निकले हुए हैं कि आप $50 का मंथली पैकेज ले लें, लेकिन सर्दियों में वो पैकेज वर्थ करता है क्योंकि सर्दियों में गाड़ी बहुत गंदी होती है, गर्मियों में गाड़ी इतनी गंदी नहीं होती, सो वी जस्ट गो फॉर लाइक अ वीक के बाद या दो हफ्ते के बाद भी धुलवा लें बाहर से गाड़ी, इट्स गुड टू गो। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जो स्नो होती है ना उसकी एक अजीब सी वाइटिश कुछ आपकी गाड़ी पे जमता है, तो हो सकता है कि हमें ना हर रोज़ गाड़ी धुलवानी है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि पता नहीं पिंक स्टफ इन्होंने क्या डाला है इस सोप के अंदर, जो कि बहुत अजीब स्मेल थी इसकी, जैसे चेरी स्मेल होती है वो ऐसे हमें गाड़ी के अंदर आ रही थी, लेकिन गाड़ी अच्छी साफ़ कर दी। तो टचलेस ये था वॉश, एंड बिकॉज टचलेस वॉश इज़ गुड फॉर योर कार के स्क्रैचेस नहीं पड़ते, पर दूसरी वॉश भी अच्छी होती है, इट जस्ट डिपेंड्स कि हमें कहाँ पर अच्छी डील मिल जाए, एंड देन वी जस्ट गो एंड गेट आवर कार वॉश फ्रॉम देयर। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि हम ना गाड़ी अंदर से और बाहर दोनों से साफ़ करवाते हैं, तो यहाँ पर एक जगह होती है ऐसे कहते हैं इन एंड आउट क्लीन, लेकिन हम फिर ये भी सोच रहे हैं कि हम गाड़ी को अंदर से वॉश करवा लें, जैसे डिटेलिंग होती है तो उससे गाड़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती है, और आप डिटेलिंग सिर्फ गर्मियों में करवा सकते हैं बिकॉज़ सर्दियों में तो बर्फ़ जम रही होती है बाहर, तो अगर आप डिटेलिंग करवाएंगे सर्दियों में आपके जब सीट्स धोई जाएंगी सर्दियों में तो वो ड्राई नहीं होंगी, वो फ्रीज़ हो जाएंगी इंस्टेंट, तो उसको ड्राई करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गर्मियों में ही लोग इस तरह की क्लीनिंग करवाते हैं गाड़ियों की ना, वंस इन अ ईयर अगर आप डिटेलिंग करवा लें तो गाड़ी बहुत अच्छी साफ़ रहती है, और अराउंड $200 to $300 की मेरे ख्याल से डिटेलिंग होती है, बट यू जस्ट नीड इट वंस इन अ ईयर, तो इट्स काइंड ऑफ वर्थ इट। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको ये सीनरी दिखाना चाहती हूँ, भाईजान जो हैं वो बड़ी अच्छी मुझे वीडियोज़ भेजते हैं, तो ये भाईजान ने मुझे वीडियो भेजी है, थैंक यू सो मच भाईजान, बाय द वे आई वुड लव इट अगर आप मुझे इस तरह की वीडियोस और भेजा करें, बिकॉज मैं भाईजान की वीडियोस हमेशा डालती नहीं अपने यूट्यूब पे, तो वो ना नाराज़ हो गए हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं बनानी तुम्हारे लिए वीडियोस तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाईजान, दीज वीडियोस आर सो अमेजिंग, सो डू सेंड मी मोर वीडियोस व्हेनेवर यू कैन। एंड गाइस मैं यहाँ अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ इस खूबसूरत से सनसेट, पहाड़ों के सनसेट के साथ, इट लुक्स लाइक ग्रेट कैनियन, एंड If you guys like my videos, please subscribe, comment, share, like, and kal subha 6 AM Toronto time meri zarur next video zarur dekhiyega, and have a great day, and thank you so much for watching my video today.